दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 जुलाई 2023 दिन रविवार के आपकी राशि के दैनिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से आज आपको सावधान रहना होगा, किन किन चीजों से आज आपको फायदा होगा, आपकी आज लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा, और साथ ही साथ आज आपका भाग्यशाली अंक क्या रहेगा, भाग्यशाली रंग क्या रहेगा, आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, और साथ ही साथ आज आपके भाग्य का आपको कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, और साथ ही साथ आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन सभी की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन। दोस्तों आज आप अपने सभी कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। इस समय ग्रह स्थितियां आपके लिए उचित भाग्य का निर्माण कर रही हैं, इसलिए इनका भरपूर सदुपयोग करें। कोई पारिवारिक धार्मिक भोजन संबंधी योजना भी बनेगी। घर परिवार तथा संबंधियों के साथ आज समय अच्छा व्यतीत होगा। अपने संपर्क सूत्रों तथा मित्रों से मेल मुलाकात लाभदायक रहेगी। कुछ समय से आप अपने व्यक्तित्व में और अधिक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उससे आपको सामाजिक वे पारिवारिक सराहना भी आज प्राप्त होगी। साथ ही साथ कभी कभी ज्यादा आत्म केंद्रित होने तथा अहम की भावना रखने से आपसी बातचीत में कुछ वाद विवाद होने की भी स्थिति बन सकती है। अपने इन गुणों का सकारात्मक रूप से उपयोग करें तो बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ किसी अनजान व्यक्ति से कोई महत्वपूर्ण बातचीत या काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह विचार विमर्श तथा जांच पड़ताल अवश्य कर लें। छोटी सी लापरवाही से आपके साथ धोखा हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें आज आप धन संबंधी कुछ नई नीतियों की योजनाएं बनाएंगे, उसमें आप सफल भी रहेंगे, इसलिए प्रयासरत रहें। पारिवारिक सुख सुविधाओं पर भी आज खर्च होगा। किसी नजदीकी मित्र के यहाँ धार्मिक समारोह में जाने का भी आज आपको अवसर मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कुछ समय पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी व्यतीत करें। ज्यादा आत्म केंद्रित होने पर आपके संबंधों में खटास भी उत्पन्न हो सकती है। अपने व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ आपको बता दें आज अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी और आपके लिए यह बहुत अधिक फायदेमंद भी रहेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने संबंधित योजना आप बना रहे हैं तो उस पर ध्यान केंद्रित रखें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति पूर्ण एकाग्रचित रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें आपके मन में आज कुछ नकारात्मक विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं, इसका असर आपकी नींद पर भी पड़ सकता है। सकारात्मक प्रवृत्तियों के लोगों के साथ अपना समय आज आप व्यतीत करें तथा कुछ समय एकांत में बैठकर आत्मचिंतन भी आप अवश्य करें, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो दोस्तों आपको बता दें आज पति पत्नी का आपसी सहयोग घर परिवार की व्यवस्था को उचित तथा खुशनुमा बनाकर रखेगा। प्रेम संबंध मर्यादा पूर्ण रहेंगे। साथ ही साथ पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा खुशनुमा माहौल भी रहेगा। साथ ही साथ पति पत्नियों के संबंधों में आज कुछ खट्टी मीठी नोक झोंक भी संभव है, परंतु इससे
आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकी आएंगी। परिवार तथा व्यवसाय के बीच उचित सामंजस्य बनाकर रखने से दोनों तरफ सुकून भरा वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगढ़ता बढ़ेगी। लव लाइफ के नजरिए से आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन साबित होगा। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें, आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहेगा, तो दोस्तों आपको बता दें, कार्य क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति का योगदान आपके लिए व्यवसाय संबंधी कुछ नई उपलब्धियां प्रदान करेगा। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को भी अपने कार्यों में उचित योगदान देने से उच्च अधिकारियों की सराहना आज आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको बता दें, अभी व्यवसायिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने की आप चेष्टा ना करें, जैसा वर्तमान में चल रहा है उस पर ही ध्यान केंद्रित रखें। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को अपना काम बहुत ही अधिक ध्यानपूर्वक करने की आज आवश्यकता है। या दोस्तों साथ ही साथ बता दें, आज मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते हुए जाएंगे, इसलिए पूर्ण रूप से इन कार्यों के प्रति प्रयासरत रहें। आर्थिक स्थिति भी आज बेहतर रहेगी। आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति के आज आपके लिए योग बन रहे हैं। या दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों का भी ऑफिस का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, आज अपनी रुकी पेमेंट कलेक्ट करने तथा आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने पर आपको ध्यान केंद्रित रखना होगा। आपको काफी हद तक इसमें सफलता भी प्राप्त होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कोई स्थान परिवर्तन संबंधी सूचना मिलने की भी आज संभावना है। साथ ही साथ व्यवसाय में आंतरिक सुधार या फिर स्थान में कुछ बदलाव लाने की भी आवश्यकता है, और ऐसा करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। साथ ही साथ ऑफिस के माहौल में भी राजनीतिक जैसी गतिविधियां हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की भी आपको आवश्यकता है। साथ ही साथ बता दें, आज बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार प्राप्ति के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज उनको कहीं इंटरव्यू देने भी जाना पड़ सकता है, इसलिए आप आज अपने करियर के प्रति सजग रहें। जो आपको करियर से संबंधित मौका मिले उसे हाथ से ना जाने दें, मतलब कि दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करें, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। करियर संबंधी आज का दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन रहेगा। जो भी आपको मौका मिले हाथ से ना जाने दें, मौके का भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों साथ ही साथ बात करें, आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो दोस्तों आपको बता दें, आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु खान पान और दिनचर्या संयमित रखना आपके लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ अपने अंदर आज आपको आत्मबल और ऊर्जा की कमी भी महसूस हो सकती है। मेडिटेशन व योग पर भी कुछ समय आप व्यतीत करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मेडिटेशन या फिर योग आप जरूर करें, कुछ समय जरूर निकालें, अपने स्वास्थ्य के लिए आपको लाभ मिलेगा। या दोस्तों साथ ही साथ बात करें, आज आपके लिए भाग्यशाली अंक क्या रहने वाला है, तो दोस्तों आपको बता दें, आज आपके लिए भाग्यशाली अंक रहने वाला है 6 और भाग्यशाली रंग रहने वाला है लाल और नीला। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें, आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभप्रद साबित होंगे, किन किन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहला उपाय क्या करें आप, आज आप भगवान शनिदेव के कोई भी एक मंत्र का जाप, मतलब भगवान शनिदेव का कोई भी एक मंत्र ले लें, उस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार जाप करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन से परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही साथ आप क्या करें, आप पारिवारिक जीवन को अच्छा रखने के लिए रसोई घर के अंदर नंगे पांव लकड़ी की चौकी पर बैठकर खाना खाएं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। और साथ ही साथ आप क्या करें, आज आप कांसे के बर्तन में एक मुट्ठी चावल रखकर आसपास के किसी भी मंदिर में दान दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जीवन से जो परेशानियां चल रही हैं उन सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ नौकरी व्यापार में भी आपको
लाभ होगा। तो दोस्तों कोई भी इनमें से आप उपाय कर लें, आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपको आपके भाग्य का कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें आज आपका भाग्य मीटर बता रहा है कि आज आपको आपके भाग्य का पूरे 96% साथ मिलेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।